इस तरह की वाइट बॉर्डर आपको फोटो पे दिख रही है, वो कोरल रूम में हम कैसे लगाएंगे? अगर आप भी इस प्रकार से वाइट बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये हमारी वीडियो पूरी देखिए आप, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले कोरल ड्रॉ ओपन कर लेना है और हमें एक इमेज ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास अभी ये वाली इमेज है, विराट कोहली की इमेज है ये, और इसको हमें क्या करना है, बैटमैप में जाना है, आउटलाइन ट्रेस कर लेनी है सबसे पहले हमें। ओके करना है। अभी ये हमारी दूसरी इमेज हो गई। अभी इसको हमें पीछे बॉर्डर बना लेनी है। इस पे बैकग्राउंड हमें रखना है ऐसी इस तरह से ताकि हमें, तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, पूरी तरह से जो बॉर्डर बनाए वो हमें पूरी तरह से दिखे। अभी ये इसको हमें कलर कर लेना है, मुझे येलो कलर करना है तो ये मैंने येलो कलर किया। अभी भी अंदर ये कुछ काला काला डार्क दिख रहा है, तो इसे क्या करना है, येलो कलर पे जाके राइट क्लिक करनी है तो वो चला जाएगा जाके। अभी क्या हुआ, एक वेक्टर इमेज हो गई। अभी इसको हमें फिर से बैटमैप में जाना है, कन्वर्ट करनी है, और ये रिजोल्यूशन हमें 300 रखना है और ओके कर देनी है। और फिर से हमें जाना है आउटलाइन और ये ट्रेस करना है फिर से हमें। ताकि ये हमने जो वेक्टर इमेज बनाई वो ग्रुप हो जाए, और ये हो गया कम्प्लीट। अभी इसे हमें डिलीट कर देनी है, ये हमारी ओके फाइल हो गई। अभी इसको हम आउटलाइन देंगे, ये वेक्टर इमेज को हम आउटलाइन कैसे दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये कोई भी कलर एक लेता हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक की ब्लू कलर पे, ये ब्लू कलर दिख नहीं रहा है तो मैं अभी रेड कलर में जाता हूँ, रेड कलर। तो यहाँ पे रेड कलर ये दिखता है देखो, लेकिन बहुत छोटा है तो उसको हमें थोड़ा बड़ा करना है। इसको हमें 0.125 हम कर देते हैं और देखते हैं, ये कम्प्लीट हो गया हमारा कलर, ये रेड कलर का। अगर हमें कोई भी येलो कलर चाहिए तो फिर हमें राइट क्लिक करो, येलो कलर हो गया। अब इस पे ये पीछे है तो हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस अप पेज करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। और ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके हमें सी और ई दोनों दबाते, तो इस तरह से हमारी ये इमेज तैयार हो जाएगी। अगर इस प्रकार का कुछ दिखता है तो हमें इसे पीछे से सिलेक्ट करना है, इसे हटा देता हूँ, इसे सिलेक्ट करना है, ये जो येलो वाली जो इमेज है उसे सिलेक्ट करते हैं। बाद में फिर से जाते हैं, हमें आउटलाइन पेन टूल में जाते हैं, और इसमें जो ये वाला ये सब दिख रहा है इस प्रकार से ओके हो गया, तो ये चला गया। अभी सी और ई एक साथ में हमें करना है, तो इस प्रकार की बॉर्डर तैयार हो गई।